गाइस का डेल का इतना लाइट वेटी लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनल सीरीज का, जिसमें आप फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कर सके, जावा पाइथन एंड पीएचपी प्रोग्रामिंग कर सके, या मार्केटिंग ट्रेडिंग ब्लॉगिंग और अदर ऑफिस वर्क से रिलेटेड टास्क कर सके। तो आज मैं आपको डेल इंस्पिरॉन 5430 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। और लैपटॉप इंटेल के 13 जनरेशन के कोर i7 प्रोसेसर पर बेस्ड है और इसी के संग इसमें 1 TB स्टोरेज और 16 GB रैम दी गई है, जिससे आपको इसमें काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और लैपटॉप उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन डील हो सकता है जो 90,000 तक के बजट में लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, जिसमें वे फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो, एफएल स्टूडियो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकें। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर हमें इंटेल का कोर i7 1360p प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है, जो एक इंटेल का 13 जनरेशन रैप्टर लेक पी सीरीज का बिल्कुल एक नया प्रोसेसर है, जिसे इसी साल 2023 में लॉन्च किया गया है। और आपको इसमें 2.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 5 GHz तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। और इस प्रोसेसर में 18 MB की L3 कैश मेमोरी दी गई है और एक 12 कोर्स और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, जिसके परफॉर्मेंस में 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स रहेंगे और एफिशिएंट में 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंसेस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे। और मैक्स टॉप पावर इस प्रोसेसर की 64 वाट की है और गाइस एक काफी बेहतरीन प्रोसेसर है जो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। और इसी के साथ बता दूं, जब आप इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या हैवी टास्क करेंगे तो इसके परफॉर्मेंस कोर्स यूज होंगे, और जब आप नॉर्मली वर्क करेंगे जैसे कि वेब सर्फिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या अदर बेसिक टास्क, तो इसके एफिशिएंट कोर्स यूज होंगे, जिससे आपको इसमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और आप इसमें अपने एवरीडे के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। और इसके बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर के मुकाबले में इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस स्कोर्स कितने बेहतरीन रहने वाले हैं। और स्टोरेज और रैम ऑप्शंस की बात करूं तो डेल के इस लैपटॉप में डायरेक्ट 1 TB की SSD स्टोरेज रैम दी गई है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको यहां पर फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और रैम इसमें 16 GB की लेटेस्ट LPDDR5 रैम का सपोर्ट रहने वाला है, जिसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 4800 MHz तक की है, जो काफी अच्छी बात है, जिससे आपको इस लैपटॉप में स्टोरेज और रैम दोनों को फ्यूचर में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 1 TB स्टोरेज एंड 16 GB रैम आर गुड इनफ फॉर एवरीडे यूजेस। और चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो डेल का लैपटॉप इंटेल के RX इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आने वाला है, जिसमें आपको गेमिंग करते वक्त काफी अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और आप 1080 पिक्सल्स पर GTA 5 और कॉल ऑफ ड्यूटी के जैसे गेम से बड़े प्यार से खेल सकेंगे। एंड प्लस गाइस आप इसमें ब्लेंडर, इलस्ट्रेटर, लाइटरूम के जैसे सभी सॉफ्टवेयर इजीली यूज कर सकते हैं 2D एंड 3D ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है और इसी के संग इसमें लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन भी दिया गया है, जिससे लैपटॉप आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफी ऑसम डील रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। आपको इसमें 14 इंचेस का WVA डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 3-sided नैरो बॉर्डर्स रहने वाले हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं और हमें इसमें 250 तक की ब्राइटनेस और 45% तक का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस काफी अच्छे रहने वाले हैं इंडोर यूज के हिसाब से। और बता दूं इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल तक का है, जिससे आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। एंड प्लस कई समय यहाँ पर डेल कम्फर्ट व्यू फीचर का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आपको इसके डिस्प्ले में लेस हार्मफुल ब्लू लाइट देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर LED पैनल्स। सो ओवरऑल गाइस डेल के इस लैपटॉप का डिस्प्ले काफी शानदार रहने वाला है। और डिजाइन की बात करूं तो डेल के इस लैपटॉप का डिजाइन काफी प्रीमियम सा लगता है और इसके टॉप के लिड पर डेल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और एक डेल का काफी स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आने वाला लैपटॉप है। और बता दूं इसमें ले फ्लैट हिंज डिजाइन दिया गया है, जिससे लैपटॉप के बैक पैनल में एक अच्छी ग्रिप और कूलिंग बनी रहेगी और लैपटॉप ज्यादा हीटअप भी नहीं होगा। इस लैपटॉप का वेट 1.59 kg है और एक डेल का काफी थिन एंड लाइट वेटी लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इसे कैरी करना काफी कन्वीनियंट रहेगा। और ये लैपटॉप प्लैटिनम सिल्वर कलर में आता है।
और बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ के कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप इसमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे और आपको इसमें काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। और स्पीकर्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है, जो ऑडियो को काफी अच्छे तरीके से एनहांस कर देगा और आपको इसमें काफी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। पर इसके वेबकैम के बारे में बताऊं तो डेल ने इस बार इसके वेबकैम में अपडेट किया है। पहले जहां हमें HD वेबकैम दिया जाता था, अब आपको इसमें फुल HD वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा विद द बिल्ट इन माइक्रोफोन्स, जो आपको जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और चलिए गाइस अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड दिया गया है। कीबोर्ड के किसके बीच की डिस्टेंस काफी बढ़िया रहने वाली है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और अगर गाइस आप देर रात तक काम करने के शौकीन है तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत फायदेमंद डील रहेगा, क्योंकि इसमें बैकलिट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें क्लास साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है, जो मल्टीटच जेसेस को भी सपोर्ट करता है। पर इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए डेल ने 4 सेल्स वाली लिथियम आयन बैटरी दी है, जिससे आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। पर लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। पर इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो हमें इस लैपटॉप पे सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप ए पोर्ट एंड 1 Thunderbolt 4 पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमें 1 USB टाइप ए पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। पर बता दूं इसमें इथरनेट का पोर्ट नहीं है। और चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर गाइड्स देखने को मिल जाएंगे। डेल का लैपटॉप बिजनेस, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग हो या डे टू डे के टास्क के लिए काफी जबरदस्त मॉडल है। और इस लैपटॉप में 90,000 तक के बजट के अंडर में काफी शानदार फीचर्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें 14 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 250 निट्स ब्राइटनेस। और इसमें इंटेल का 13 जनरेशन का कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक बिल्कुल ही नया प्रोसेसर है। और इसमें 1 TB स्टोरेज के साथ 16 GB रैम लगी मिलती है, जिससे आपको इसमें स्टोरेज और रैम दोनों को फीचर में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें फुल HD वेबकैम रहने वाला है विद बिल्ट इन माइक्रोफोन्स। और इसमें लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ के कार्ड्स लगे हुए हैं। और इस लैपटॉप में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस एमएस ऑफिस 2021 वर्जन इंक्लूडेड है। और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी दिया गया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आप इसमें अपने एवरीडे के टास्क फास्ट एंड इजिली कर सकेंगे। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसमें 7 to 8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में डेल का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 86,490 रुपीज और आप इस लैपटॉप को डायरेक्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी बाय कर सकते हैं।